हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में लेसन नंबर 6 अम्लीय एवं लवण प्रभावित मृदाएं डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज का टॉपिक है पौधों पर मृदा अम्लता का प्रभाव। पौधों पर मृदा अम्लता का प्रभाव, पिछले क्लास में अपन ने अम्लीय मृदा बनने के कारण पढ़े थे। आज अपन बात करेंगे पौधों पर मृदा अम्लता का प्रभाव। दो प्रभाव होते हैं मुख्यतः, प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब है जो प्रभाव अपन को आसानी से दिख जाते हैं वो होते हैं प्रत्यक्ष प्रभाव, और जो नहीं दिख पाते हैं वो होते हैं आपके अप्रत्यक्ष प्रभाव। तो देखिए, इधर प्रत्यक्ष प्रभाव में पहला है आपका जड़ों के ऊतकों पर। इसकी बात करूं मैं, जड़ों के उत्तकों पर H प्लस आयनों का भी अम्लता बढ़ने पर कौन से आयन बढ़ेंगे? H प्लस आयन बढ़ेंगे। तो जड़ों के उत्तकों पर H प्लस आयनों क्या होता है बेटा? विषैला प्रभाव होता है जिससे पौधे की मृत्यु हो जाती है। दूसरा है पादप झिल्लियों में, पादप कोशिका जो होती है उसमें झिल्लियां होती है, और उन झिल्लियों में अधिकतर आपके आयनों का और जैविक पदार्थों का क्या होता है? आवागमन होता है। तो उसमें वहां पर उसमें कौन सा गुण होता है? पारगम्यता। कौन सा गुण होता है? पारगम्यता गुण होता है। तो उस पारगम्यता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। मोस्टली किसमें? धनायनों की पारगम्यता, कि धनायन वहां उपस्थित है ही नहीं, अम्लता के कारण धनायनों का विनिमय हो चुका है। और प्रत्यक्ष प्रभाव में कौन सा? अम्लता बढ़ने के कारण एंजाइमों में परिवर्तन हो जाता है। एंजाइमों में परिवर्तन होने से पौधों की जैविक क्रियाएं क्या होती है? प्रभावित होती है, जिससे पौधा सही तरीके से क्या नहीं कर पाता है? वृद्धि नहीं कर पाता है। इस तरह से ही आपके कौन से प्रभाव है बेटा? प्रत्यक्ष प्रभाव है। बात करते हैं किसकी? अप्रत्यक्ष प्रभाव की। इसकी बात करते हैं अप्रत्यक्ष प्रभाव की। सबसे पहले बात करेंगे पोषक तत्व जैसे फॉस्फोरस, कॉपर, जिंक आदि की उपलब्धता भी प्रभावित होती है। पोषक तत्व जैसे फॉस्फोरस, कॉपर, जिंक आदि की प्राप्यता या उपलब्धता क्या होती है? प्रभावित होती है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, मैंगनीज और आयरन, ये क्या होते हैं बेटा? अम्लीय आयन होते हैं। क्या होते हैं ये? अम्लीय आयन होते हैं। इन अम्लीय आयनों की मात्रा बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई है तो क्या बढ़ेगी? इनकी विलेयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? विलेयता, जिससे क्या उत्पन्न करेंगे? ये विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करेंगे? विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है अम्लता बढ़ने से क्या बढ़ जाती है? सूक्ष्म जीवों की सक्रियता में वृद्धि हो जाती है या प्रभावित होती है। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता क्या होती है? प्रभावित होती है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था पीएच वाले चैप्टर में कि सूक्ष्म जीव एक निश्चित पीएच पर अधिक सक्रिय होते हैं, उससे कम या उससे अधिक होने पर उनकी सक्रियता में कमी आ जाती है या वृद्धि हो जाती है। मतलब ऑल ओवर कहें तो पीएच का मतलब क्या है? एच प्लस बढ़ रहा है, अम्लता बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं पीएच प्रभावित हो रही है, जिससे क्या होगी? सूक्ष्म जीवों की सक्रियता प्रभावित होगी। लास्ट है कैल्शियम और पोटेशियम। तो अभी अपन ने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी पिछली क्लास में, तो अम्लता के कारण मृदा संकीर्ण पर उपस्थित, पढ़ा था अपन इस तरह से, ध्यान हो तो, ये क्ले है, क्ले के ऊपर कौन से आयन है? कैल्शियम आयन, और यहाँ कौन से है? एच प्लस आयन। क्या होगा? इस क्ले के ऊपर क्या आ जाएंगे? H प्लस आयन, और क्या हो जाएगा? ये Ca प्लस टू आयन बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Ca प्लस टू आयन बाहर हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कमी हो जाएगी तो उसकी वृद्धि, पौधे की वृद्धि क्या होगी? प्रभावित होगी। ये थे आपको कौन से? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव। अब जो ये आपकी अम्लीय मृदा हुई है, इस अम्लीय मृदा में अपन क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? सुधार कर सकते हैं। सुधार के लिए अपन क्या मिलाते हैं? मुख्यतः चूना एवं चूना पदार्थ। क्या मिलाते हैं? चूना एवं चूना पदार्थ मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षार्य प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षार्य प्रकृति के होते हैं। क्लियर? ये अम्लता
बढ़ेगी तो सुख कम कौन करेगा, उदासीन कौन करेगा, क्षार और ये सारे प्रकृति के होने से कारण इन चूना पदार्थों को अपन क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं इसको अम्लीय मृदा में सुधार के लिए। तो यहाँ पर टोटल 7 प्रकार के चूना एवं चूना पदार्थ है। कैल्शियम चूना, इसकी बात की अपन ने, कैल्शियम चूना सूत्र रहेगा CaCO3, परंतु इसमें कैल्शियम की मात्रा मैग्नीशियम से ज्यादा होगी। नेक्स्ट है डोलोमाइट, क्या नाम है इसका, डोलोमाइट Ca.MgCO3 का होल्टवाइज, Ca.MgCO3 का होल्टवाइज, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा कैल्शियम से ज्यादा होगी। बिना बुझा हुआ चूना, इसकी बात करते हैं, बिना बुझा हुआ चूना सूत्र है CaO, इसको बोलते हैं क्यूक लाइम, क्या बोलते हैं इसको, क्यूक लाइम। बुझा हुआ चूना इसका सूत्र है CaOH का होल्टवाइज, CaOH का होल्टवाइज, इसमें पानी नहीं होता, इसमें पानी होता है, सीधी सी बात ही है, इसको बोलते हैं स्लेंग लाइम, क्या बोलते हैं स्लेंग लाइम। फिर आता है मार्ल, क्या आता है मार्ल, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है परंतु कौन सा होता है, कोमल और भुरभुरा होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट कैसा दिखाई दे, कोमल और भुरभुरा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन मार्ल। खड़िया, आजकल अपन चूना काम में लेते हैं पुताई करने के लिए, पहले कच्चे घरों में एक काम में ली जाती थी खड़िया, खड़ी जिसे बोलते हैं अपन, चाप CaCO3 राइट। फिर आता है आपका झोंका भट्टी धातुमल, किसकी बात करें, झोंका भट्टी धातुमल, ध्यान से सुनो, अपने पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, अयस्क पाए जाते हैं, धातु क्या पाए जाते हैं, अयस्क पाए जाते हैं, उनमें क्या होती है अशुद्धियां होती है, क्या होती है अशुद्धियां होती है, उन अशुद्धियों को दूर करके अपन क्या करते हैं धातु प्राप्त करते हैं, तो उस बीच में वहां पर क्या बनते हैं धातु मल बनते हैं, क्या बनते हैं धातु मल, तो जिसमें बनते हैं उसको बोलते हैं झोंका भट्टी, झोंका भट्टी मतलब ऐसी भट्टी जिसमें ताप किसके साथ आता है, झोंके के साथ आता है राइट, उसको बोलते हैं झोंका भट्टी धातु मल। ब्लास्ट फर्नेस लेग, इसका सूत्र क्या है CaSiO3 और CaSiO4, जो कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का धातुमल होता है, जो अम्लता करने में विशेष प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है। इस तरह से टोटल 7 प्रकार के चूना एवं चूना पदार्थ है जिनको अपन मृदा अम्लता को कम करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। क्लियर, तो बेटा आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, पौधों पर अम्लता के प्रभाव, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव, और साथ में अम्लीय मृदा में सुधार किसकी सहायता से, चूना एवं चूना पदार्थ की सहायता से, क्यों, क्योंकि कौन सी प्रकृति के होते हैं ये, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, कितने प्रकार के हैं ये, 7 प्रकार के होते हैं, क्योंकि क्षारीयता अगर देंगे तो वो अम्लता को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। क्लियर बेटा, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू क्लास।